कहते हैं यदि कोई व्यक्ति सफलता हासिल करता है तो इसके पीछे उसके माता-पिता और गुरु की मेहनत होती है। ऐसे ही गुरुओं और उनके होनहार बच्चों को जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं जिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष अर्चना नागेंद्र सिंह ने सम्मानित किया। उन्होंने बच्चे एवं उनके गुरुओं को शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में पर्वतारोही मेघा परमार भी उपस्थित थी। जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष अर्चना नागेंद्र सिंह ने कहा कि हमने इस सम्मान समारोह को साधारण रखा, इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं किया गया है। आला अधिकारियों को सम्मानित समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाए। वहीं मोटिवेशन स्पीकर मेघा परमार ने कहा कि सभी बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें। इस कार्यक्रम में NCL, CMD, NTPC, HR और कई सम्मानित हस्तियों ने भाग लिया और बच्चों को मार्गदर्शन दिया। मैं तो यही कहूंगी सभी बच्चों को कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पर लग जाए। जब तक वो चढ़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बोलते रहे। और सबका माउंटेन पर अलग होता है। मेरा पहाड़ था बर्फ का, जो मैंने फतह किया। उनका पहाड़ जीवन का अलग होगा, वो उसको फतह करें। बाधाएं आएंगी, बैरिकेड्स आएंगे, फतह करें। स्पेशली जो बच्चे आ जाए, वो किशोरावस्था के बच्चे, उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। मोटिवेशन शब्द छोटा नहीं, बहुत बड़ा शब्द होता है। पता नहीं कब किसके पास चिंगारी लग जाए। मैं पूरा 13 घंटे का सफर करके आई, 13 घंटे वापस जाऊंगी। यहाँ के बच्चों को यदि कुछ देके जाऊँ और किसी गांव के कोने में, जैसे मैं गांव से, किसी गांव के कोने में किसी बच्चे में चिंगारी लग जाए, बस ये मेरा आना सफल हो जाए। मेरी तरफ से सभी आला अधिकारियों, ये सिर्फ बच्चों के लिए रखा। मैंने नहीं चाहता कि बच्चों के प्रोग्राम में किसी तरह की पॉलिटिक्स हो। मैंने जिले के सभी आला अधिकारियों को बुलाया था, DM, SP, कलेक्टर, सभी कमिश्नर साहब और जितने हमारे जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं, सभी को मैंने इस मंच पर आने के लिए इन्वाइट किया था। मगर हो सकता है कि कारणवश वो लोग नहीं आए हैं, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हाँ, इस मंच की शोभा हमारे HR, NTPC हेड और हमारे न्यायाधीश महोदय ने बताई, जिससे मुझे इस मंच की शोभा गरिमा बनी रही और हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।